क्या हो गया भाई? अबे यार, एक वेबसाइट बनाई थी जो तुमने शॉपिफाई का, जो तुम्हारा फ्री कोर्स है, उससे देख करके वेबसाइट बना दी। एक बढ़िया सेक्सी सा प्रोडक्ट भी खोज दिया मैंने बहुत मेहनत से, और इंस्टाग्राम पर फोटो भी डाल दी, लेकिन कोई सेल ही नहीं आ रही। अब तो फेसबुक एड्स चला ले भाई, फेसबुक एड्स तो बेटर है भाई तेरी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। आराम से सेल आ जाएगी फेसबुक एड्स से। फेसबुक एड्स कहाँ यार, फेसबुक एड्स में तो मैं फेसबुक लॉग इन करता हूँ, रिस्ट्रिक्ट कर देता है वो मेरे को। जब हर बार जैसे ही लॉग इन करो, कैंपेन बनाओ, वो रिस्ट्रिक्ट ही कर दे रहा बार बार। और पहली बात तो वो इतना कॉम्प्लेक्स भी है फेसबुक एड्स, कहाँ से मैं वहाँ करूँगा। नहीं, कहाँ डिफिकल्ट है, अभी मैं तेरे को बताता हूँ। आ जा इधर, आ जा, मैं तेरे को सिखाता हूँ कैसे फेसबुक एड्स चलाना है, ठीक है? आराम से सेल वेल सब आएगी और वेबसाइट तूने बना ही ली है, ठीक है? तो चल, आ जा, तेरे को सिखाता हूँ और आपको भी सिखाता हूँ। अगर आपको फेसबुक एड्स के बारे में जानना है कि कैसे आप फेसबुक एड्स चला सकते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तो आपको पता ही। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक कर देना वीडियो को। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट फेसबुक एड्स फॉर ई कॉमर्स, इंडियन ई कॉमर्स बेसिकली, ठीक है? एंड अगर आपको भी शॉपिफाई पे फ्री कोर्स देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस फ्री कोर्स को आप देख सकते हो। और बाकी इस भाई के साथ हम फेसबुक ऐड सीखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अभी हम यहाँ पर, आप देख रहे हो, हम फेसबुक ऐड्स के डैशबोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है? बहुत सिंपल सा डैशबोर्ड होता है, एड्स मैनेजर, सिंपल, ठीक है? एड्स मैनेजर, यहाँ पर तीन आपको लेवल्स मिलते हैं, जैसे कैंपेन हो गया, एड सेट हो गया। एड्स लेवल तीन लेवल पे होता है। अब ये एड्स मैनेजर के अंदर हम आ चुके हैं, ठीक है? अब आपको ये पूरा सेटअप वगैरह सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, उन वीडियोस को आप देख सकते हो, ठीक है? या फिर आप कोर्स अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पर जो देखो, तीन हमारे लेवल होते हैं। अब सिंपल सा हमें एक कैंपेन क्रिएट करना होता है हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अब ये चीज़ें करने से पहले आपका जो आप कह सकते हो कि पहली चीज़ तो आपका फेसबुक जो एड्स मैनेजर है वो आपके शॉपिफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई पे, अगर आप वू कॉमर्स पे हो तो जो भी है आपका पिक्सल कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि जो फेसबुक है वो आपकी शॉपिफाई वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट कर पाए, क्योंकि उस डेटा को आप आगे जाकर के यूज़ करोगे अपनी बेसिकली और सेल लाने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपकी वेबसाइट पर आ रहा हूँ तो आपके फेसबुक को पता होना चाहिए कि भाई मैं आया हूँ, ताकि आप बाद में मुझे रीटारगेट कर सको या फिर लोकल लाइक बना सको, वो सारी चीज़ों के लिए, जो कि एक लॉन्गर टर्म गोल होता है। तो पहली चीज़ पिक्सल कनेक्टेड होना चाहिए, दूसरी चीज़ की जो आपके इवेंट्स हैं उनको आप वेरीफाई करके रखो, यानी कि जो इवेंट्स मैनेजर में जाकर के जो आप करते हो इवेंट कॉन्फ़िगरेशन वो कर लेना, अगर नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर देख लो, आपको वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम बेसिकली सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एड्स को बनाओगे। अब सिंपल से यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको जो ऐड बनाना है फिलहाल के लिए अपनी वेबसाइट पर सेल लाने के लिए। अगर आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप चाहते हो कि भाई वहाँ पर सेल आए, ठीक है? तो आप कन्वर्जन ऐड ही चलाओगे, क्योंकि अगर आपको सेल चाहिए तो आप कन्वर्जन ऐड चलाओगे। अगर आप बूस्ट ऐड चलाते हो या अगर आप ट्राफिक ऐड चलाते हो तो वो सारे ऐड्स आपको नहीं चलाने हैं, ठीक है? ट्राफिक ऐड से बेसिकली आप चाहोगे तो आपकी इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? अगर आप एज अ ब्रांड काम कर रहे हो, नहीं तो आप कन्वर्जन ऐड लेकर के अपना काम आगे चला सकते हो, ठीक है? अब सिंपल सा यहाँ पर आपने कैंपेन को नाम दोगे। अब नाम वो आपके बेसिकली प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जो भी आपको नाम देना है। अब यहाँ पर जैसे होता है एडसेट लेवल पर, मैं वो नाम देता हूँ जो मैं एडसेट के अंदर टारगेटिंग करता हूँ, या जो भी चीज़ें मैंने एडसेट में की हैं, ताकि मुझे ऊपर से पता चल जाए कि भाई ये एडसेट में मैंने ये किया हुआ है, मुझे खोल के उसको देखना ना पड़े, ठीक है? एड्स तो आपके जो भी एड्स होते हैं आप उन एड्स को लगा सकते हो। अब कैंपेन में मैं अपना कैंपेन डाल दूंगा भाई नाम, जैसे मान लो मैं डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है? टेस्ट कैंपेन, लेट सपोज, ठीक है? टेस्ट कैंपेन डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पे सीधा कंटिन्यू कर दूंगा इसको, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक ऑप्शन आ रहा होगा एडवांस कैंपेन का, तो उसको नहीं करिए, आप ये मैन्युअली क्रिएट करिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें मैंने अभी तक देखा है कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जो ये आपको पहली जो विंडो देखने को मिलती है, ये होता है आपका कैंपेन लेवल। इसमें आपको स्पेशल कैटेगरी ऐड नहीं बनाने हैं। स्पेशल कैटेगरी ऐड्स बेसिकली वो होते हैं, अगर आप इलेक्शन वगैरह या फिर यू नो सोशल इशूज़ वगैरह पे ऐड्स आपके रन करना चाह रहे हो, तो आप वो स्पेशल कैटेगरी ऐड्स में जाकर के उसको रन करते हो, ठीक है? यहाँ पर जो बाइंग टाइप होगा वो ऑक्शन ही रहेगा हमेशा के लिए। यानी ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप, जैसे मान लो एक बंदा है, मैं हूँ, मेरे सामने दो एड्स आने हैं, ठीक है? तो दो एड्स, लेट सपोज एक बंदा एक्स का है, एक वाई, ठीक है? ये एक्स और वाई अपने एड्स रन कर रहे हैं। अब जब ये दोनों अपने एड्स रन कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक ही एड मेरे सामने आएगा मेरी स्क्रीन पर, ठीक है? तो बेसिकली वहाँ पर ऑक्शन होता है, जैसे ऑक्शन मतलब जो ऑक्शन होता है नॉर्मली वैसे ही ऑक्शन होता है, बस वो मशीन करती है आपस में, और जो ऑक्शन जीतता है वो एड मेरे सामने आ जाता है। तो ये भी बाइंग टाइप आपको ऑप्शन ही रहेगा। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव हमारा कन्वर्जन रहने वाला है, ठीक है? क्योंकि हम सेल के लिए एड चला रहे हैं। उसका एबी टेस्टिंग पे हम अभी फिलहाल कुछ बात नहीं करेंगे, आपको भी इस पे कुछ नहीं करना है। आप अगर इनिशियली शुरू कर रहे हो तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन होता है कि भाई आप फेसबुक को एक बजट दे देते हो, और जब आ गया अपने एड सेक्शन में अपने एड सेट अलग अलग करते हो। फॉर एग्जांपल, इसी कैंपेन के अंदर आप इस एड सेट को डुप्लीकेट कर देते हो मान लो, ठीक है? यानी कि इस एक कैंपेन के अंदर आप दो एड सेट रख लेते हो, ठीक है? लेट सपोज आप चाहो तो कितने भी एड सेट रख सकते हो, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी कि इस एक कैंपेन के अंदर आप कितने भी एड सेट रख सकते हो, और इस एक एड सेट के अंदर आप कितने भी एड रख सकते हो। नाउ आपने मान लो यहाँ पर दो एडसेट दे दिए, और आप ये नहीं चाहते हो कि आप दोनों एडसेट को अलग अलग पैसा दो, ठीक है? तो आप यहाँ पर सीबीओ ऑन करोगे, कैंपेन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, और आप कह दोगे फेसबुक को कि भाई देख, तुझे जो सही लगता है
तू वो देख ले, ठीक है, तुझे जैसा सही लग रहा है अपने हिसाब से दोनों एडसेट में अपना पैसे डिवाइड कर दो और मुझे बेटर रिजल्ट लेके आओ, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सीबीओ। सीबीओ के बारे में और जानने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस बहुत सारी है, ठीक है, मतलब मेरे ही चैनल पे बहुत सारी वीडियोस है, तो आप लाइक करो इस वीडियो को अगर आपको सही लग रही हो वीडियो तो, और सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, सीधा यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे हम, इसमें सीबीओ नहीं बना रहे फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपना कन्वर्जन एडसेट में यहाँ पर नाम डाल सकते हो, लेट्स सपोज मैं कुछ शेयर कर बेच रहा हूँ अबाउट ईयरिंग्स, अगर मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे मान लो ईयरिंग्स डाल देता हूँ, ठीक है भाई मैं ईयरिंग्स सेल कर रहा हूँ, तो मेरा ये एडसेट में मैंने टारगेटिंग की हुई ईयरिंग्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो कन्वर्जन इवेंट होगा वो आपका अगर वहाँ पर वेरीफाइड है तो यहाँ पर आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस पे येलो आ रहा है, इस पे येलो आ रहा है, क्योंकि ये जो इवेंट्स है ये iOS के लिए कन्फिगर नहीं किए गए हैं, तो आपको कन्फिगरेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं परचेज डालूंगा कि भाई मेरे को परचेज चाहिए, उसके बाद यहाँ पर बजटिंग वाला सीन होता है, और कुछ नहीं करना आपको, जैसे मैं ये कर रहा हूँ ऐसे सिंपल करिए, बजटिंग में करना है बजट, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि भाई आप किस बजट पे सेल करना चाहिए, किस बजट क्या बजट लगाना चाहते हो। सेकेंडली बजट इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, ठीक है। मान लो आप 2000 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपने 300 का ऐड लगाया हुआ है तो बहुत आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा सेल लाने में, ठीक है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूनिक हो तो आपको सेल तुरंत ही आ जाए, लेकिन तो थोड़ा सा प्रोडक्ट जितना महंगा प्रोडक्ट है उस हिसाब से भी आप बजट लगाओ, बट मिनिमम आप 500 शुरू कर सकते हो या 350 से भी शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो 350 के बजट पे अलग अलग एडसेट क्रिएट करते हैं, यानी कि 350 पे इस पे कर दिया, फिर अगले इंटरेस्ट में 350 कर दिया, उसके अगले इंटरेस्ट में 350 कर दिया, तो क्या होता है कि 350-350 एक्युमुलेट होके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, लेकिन हर एक एडसेट में एक अच्छा बजट रहता है, मतलब 350 रुपीस का बजट रहता है, जिससे वो एडसेट अपना पूरा 350 इस्तेमाल करता है और पता लगता है कि भाई वो एडसेट परफॉर्म करने वाला है या नहीं करने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट डेट होती है, अभी जैसे 4:30 बजे तो मैं अभी तो एड्स को चालू करूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले दिन पे ऐड करूंगा 3 बजे से, या फिर जो भी 4 बजे 5 बजे जो भी आप करते हो, सुबह 5-6 बजे तक ऐड आप लगा सकते हो, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग कहते हैं 12 बजे लगाओ, 1 बजे, जो भी लगाना है लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मगर जब अगर आधा दिन बीत चुका है, 12-1 बज चुका है, तो आप ऐड तुरंत मत चालू करो। अगर आप सुबह 6 बजे भी ऐड बना रहे हो, 7 बजे ऐड बना रहे हो, तो उसी वक्त आप बना सकते हो, ठीक है, चालू कर सकते हो। लेकिन अगर आधा दिन बीत चुका है तो आपने ऐड मत बनाओ, क्योंकि आधा दिन बीतने के बाद ऐड को रिव्यू में जाने जाएगा, फिर ऐड रिव्यू में जाके एक्टिव होगा तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा और फिर आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ रहने दो, एंड डेट रखने की कोई जरूरत नहीं, जब ऐड आपका खराब परफॉर्म करेगा आप अपने ऐड्स को बंद कर दोगे, एंड डेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली अब आते हैं ऑडियंस पे, जो है ये बहुत मेन सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि आप कैसे टारगेटिंग करते हो। आप टारगेटिंग से रिलेटेड एक और बात कि भाई टारगेटिंग के ऊपर मेरा एक कोर्स है, बहुत तगड़ा कोर्स है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि आप कैसे टारगेटिंग के लिए अपनी ऑडियंस को खोजते हो। आपका कोई भी प्रोडक्ट है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप कैसे अपनी एक बेस्ट ऑडियंस खोज सकते हो जो आपके लिए सेल लेकर आएगी, ठीक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो कोर्स चाहो तो आप ले सकते हो। ना उसमें मैंने डिटेल में बताया हर चीज़ की, कैसे आप अपनी ऑडियंस को फाइंड करते हो। ना अब यहाँ पर जो आपको एक ऑप्शन मिलता है वो सबसे पहले ये कि कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, लेकिन अब आप एक नए ई कॉमर्स स्टोर हो तो आपके पास कोई कस्टम ऑडियंस लुक लाइक तो होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है। तो हम सीधा नीचे आ जाते हैं, जो हमारा लोकेशन। अब लोकेशन में आप इंडिया को टारगेट कर सकते हो, आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस, लेकिन हम ऑफिशियली इंडिया को ही टारगेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करते हो, जैसे जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, क्योंकि वहाँ पर डिलीवरी नहीं हो पाती है, मतलब जो आपके डिलीवरी एजेंट है वो वहाँ तक डिलीवरी नहीं कर पाते, तो उन्हें आप एक्सक्लूड कर दो। क्योंकि अगर आपको उन जगहों से ऑर्डर आता है तो आप फेसबुक तो अपना कॉस्ट ले लेगा, लेकिन आप वहाँ पर ऑर्डर नहीं डिलीवर कर पाओगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसलिए आप उन चीज़ों को एक्सक्लूड कर दो, हमेशा करना चाहिए आपको, हमेशा मैं कुछ कुछ एड्स में नहीं भी करता हूँ, ठीक है, तो आप करो अगर आप मतलब कि आपको वहाँ से ऑर्डर नहीं आना चाहिए। उसके बाद एज ग्रुप की बात करें तो एज ग्रुप पर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपको किस एज ग्रुप में काम करना है। सेकेंड फर्स्ट चीज़ कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आप इनिशियली मत छेड़ो, मतलब कि जो एज ग्रुप में अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करते हो, ठीक है, प्लस टारगेटिंग भी बहुत ज़्यादा की हुई होती है, तो चांसेस है कि आपका जो एड कॉस्ट का जो रिजल्ट है, मतलब जो एड कॉस्ट आ रही है वो बढ़ सकती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप चाहो तो हाँ, इसको आप चेंज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब जिस टाइप का प्रोडक्ट है, मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 25 साल से ऊपर वाले लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर चेंज करो। लेकिन अगर आपका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उस चीज़ की, तो इसे मत चेंज करो, है ना, मतलब कि फालतू इसके साथ नहीं खेलना है आपको। तो बेसिकली अगर आपका प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड है कि भाई इसी लोगों को बेचना है, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो फेसबुक खुद ही, उसका जो फेसबुक का AI है वो खुद ही इतना स्मार्ट है कि वो उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए योग्य होंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो जेंडर होता है, जेंडर तो बहुत सिंपल है, मतलब डिपेंड करेगा अगर फीमेल के लिए तो फीमेल में, मेल के लिए मेल में, या फिर अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोनों लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब बात आती है डिटेल टारगेटिंग की, जो है सबसे बढ़िया चीज़, जो है सबसे मेन चीज़ फेसबुक एड्स की। अब डिटेल टारगेटिंग में आप टारगेटिंग करते हो, बेसिकली यहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट डालने होते हैं, जो आपका प्रोडक्ट है, आपको ये
सोचना होगा कि भाई मेरे इस प्रोडक्ट से कौन से ऐसे लोग होंगे जो इंटरेस्ट रखेंगे। फॉर एग्जांपल वो लोग, अगर मैं ईयरिंग सेल कर रहा हूँ तो वो लोग जो कि ईयरिंग्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, ठीक है, उनको मेरे आज दिखाया जाए तो मैं यहाँ पर ईयरिंग को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, जो इसकी ऑडियंस साइज है वो है अराउंड 16 मिलियन, ठीक है, 16.2 मिलियन, ठीक है, और 19 मिलियन तक है इंडिया में। अब यहाँ पर ये बेसिकली ऑल जेंडर में है। अब मैं इसको चेंज करूँगा वुमेन में, क्योंकि ईयरिंग मैन तो पहनेंगे नहीं, ठीक है, तो हम वुमेन में इसको चेंज कर देंगे। तो वुमेन आप यहाँ देख रहे हो ये 11 मिलियन तक चली गई ऑडियंस, ठीक है, बढ़िया बढ़िया ऑडियंस है, एकदम मस्त साइज है ये। तो आप यहाँ पर कन्वर्जन में 6 to 16 दिखा रहे हैं। वैसे इन जो ये जो चीज़ है, इस चीज़ का कोई उतना ज़्यादा मतलब होता नहीं है, ठीक है, मतलब ये कभी कभी दिखाता है जीरो परचेज, तो उससे ये नहीं होता है कि आपको ये देखना है कि भाई ये जब आपको बहुत ज़्यादा दिखाएगा अच्छा मतलब तभी आप ऐड चलाओगे, ऐसा नहीं होता है। ये जीरो भी दिखाता है, अगर 350 के ऐड आप बनाते हो तो ये बहुत बार जीरो ही दिखाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि एस्टिमेटेड होता ही है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता है, अगर क्योंकि ये मतलब बेसिकली एस्टिमेटेड ही है। तो आपको यहाँ पर इस पर देख करके आपको ऐड नहीं कराने कि ये अगर बता नहीं रहा है आपको सेल तो आप ऐड बजट ही बढ़ाते चले जा रहे हो या इंडस्ट्री बढ़ाते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। यानी कि ये जो चीज़ होती है ये एस्टिमेटेड होती है। मैंने बहुत लोगों को देखा जो इसी पर बैठ इसी को देखते हैं और जब यहाँ पर कुछ सेल दिखाने लगता है तो यहाँ पर वो मतलब इंटरेस्ट बढ़ाते चले जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अब ये ईयरिंग हो गया। अब मैं यहाँ पर देखोगे तो सजेशन में फेसबुक आपको बहुत सारे सजेशन और भी देगा, जैसे ब्रेसलेट हो गया, नेकलेस हो गया, ज्वेलरी, पेंडेंट, रिंग, फैशन एक्सेसरीज, तो आप इनको भी ऐड कर सकते हो जैसे आपका मन करे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट साइज। अब यहां पर एक बात और, अगर मैं नेकलेस ईयरिंग वगैरह सेल कर रहा हूं तो मैं ऐड में कैरोसेल टाइप का ऐड चलाऊंगा, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऐड किया तो 5 to 15 हो गया, इंटरेस्ट नहीं ऐड किया तो और ज्यादा था वो, तो डिपेंड करता है। यहाँ पर इस चीज को ज्यादा महत्व नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज इसको ऑल ही रहेंगे, शो मोर ऑप्शन में जाएंगे, इसमें हम शो मोर ऑप्शन नहीं देखने हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ यहाँ पर आता है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट यहाँ पर दो तरीके के प्लेसमेंट है, एक है ऑटोमेटिक, एक है आपका मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि आप फेसबुक को कह रहे हो कि आपको जहाँ दिखाना है दिखाओ, बस मुझे लोएस्ट कॉस्ट में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो जो अगर आप इनिशियली टेस्टिंग कर रहे हो, पहली बार अपने ऐड चला रहे हो, तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे ही इसको छोड़ के अपने ऐड्स को रन कर दो, नहीं तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। मैनुअल में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप केवल फोन में अपने ऐड्स को रन करो, ठीक है, यानी कि सिंपल केवल मोबाइल में आपको ऐड्स रन करना है। लेट्स सपोज मुझे केवल इंस्टाग्राम पर अपने ऐड्स रन करने, तो मैं इनको अनचेक कर दूंगा और केवल ऐड्स जो होंगे वो इंस्टाग्राम पर चलेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा तो मैं फेसबुक को भी इंक्लूड करूंगा। और यहाँ पर फिर मैं देख सकता हूँ कि मुझे फेसबुक पर कहाँ ऐड चाहिए, मुझे चाहिए फीड पर, मार्केट में से मुझे ऐड नहीं चाहिए, वीडियो फीड पर मुझे ऐड नहीं चाहिए, एक्सप्लोर मुझे नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम शॉप पर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप अनचेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप नया शुरुआत कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट करके देखोगे। नाउ यहाँ पर बात आती है, जब आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे होते हो, आप ऑटोमेटिक पे काम करते हो, उसके बाद आप चाहो तो आप इसको चेंज करके भी देख सकते हो कि क्या आपको मैनुअल में बेटर रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। आपने जब ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे अपने ऐड्स रन कर लिए हैं तो आपको कुछ एक डेटा मिलेगा कि आपको कहाँ से ज़्यादा सेल आ रही है। जैसे शॉपिफाई पे डेटा आपको मिलता है कि भाई इंस्टाग्राम से आ रही है कि फेसबुक से आ रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप यहाँ पर आकर मैनुअल प्लेसमेंट कर सकते हो कि मुझे केवल इंस्टाग्राम पर ही ऐड दिखाना है क्योंकि मेरी जो परचेज है वो इंस्टाग्राम से ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा ऐड है वो कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज होगा। यहाँ पर लैंडिंग पेज व्यूज, क्लिक्स, उनके लिए भी होता है, लेकिन हम कन्वर्जन के लिए करेंगे क्योंकि हमें चाहिए परचेज। कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शनल है, कॉस्ट कंट्रोल यानी कि आप फेसबुक को एक कॉस्ट कैप लगाओगे कि भाई मुझे इतने पे चाहिए, लेकिन वो भी हम नहीं करेंगे, इसको हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ देंगे, ठीक है। एंड दैट्स इट, ये जो एक्सेट लेवल है, इस एक्सेट लेवल पर हमें इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा और काम कुछ नहीं करना है एट द बिगिनर लेवल। जब आप आगे जाओगे तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो, बट एट द बिगिनर लेवल आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ, नेक्स्ट लेवल जो होता है वो आपका ऐड लेवल होता है, ठीक है। ऐड लेवल में पहली चीज़ तो आपके पास एक फेसबुक पेज होना चाहिए जो आपके इस पर्टिकुलर ऐड अकाउंट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फेसबुक पेज कनेक्टेड नहीं है तो आप एड्स नहीं चला सकते। तो फेसबुक पेज कनेक्टेड है मेरा, इंस्टाग्राम अकाउंट भी आप चाहो तो कनेक्ट करो, नहीं चाहो तो मत करो, लेकिन कर लो ताकि आपके ऐड्स इंस्टाग्राम पर भी शो करें, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर तीन तरीके के ऐड्स होते हैं, सिंगल इमेज, कैरोसेल और कलेक्शन। पहली चीज़ तो अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर ओनर हो तो सिंगल इमेज ऐड मत चलाओ, वीडियो एड्स बिल्कुल चलाओ, वीडियो एड्स जितने ज़्यादा आप चला सकते हो चलाओ, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करो, ठीक है। तो वीडियो एड्स आप चलाओगे, उसके बाद कैरोसेल एड्स आप चला सकते हो। जैसे ईयरिंग्स अगर मैं यहाँ पर सेल कर रहा हूँ तो मैं कैरोसेल एड बिल्कुल चलाऊंगा, अप्रैल इंडस्ट्री में अगर मैं होता तो भी मैं कैरोसेल एड चलाता, ठीक है। कलेक्शन बेसिकली जो आप शॉपिफाई से जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो फेसबुक अपने हिसाब से यहाँ पर आपको क्रिएट करके बना देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप कैरोसेल एड्स आपके सिंपल से, यानी कि जो 10 इमेज आ रहे होते हैं स्लाइड करने वाले, उसके बाद आपका सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो। तो सिंगल इमेज जो है, सिंगल इमेज मत यूज़ करो, वीडियो यूज़ करो, ठीक है। मतलब ये जो दो मेन है ना, मैं यही इन दोनों को यूज़ करता हूँ। कलेक्शंस मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है अभी तक, ठीक है। मैं सिंगल वीडियो यूज़ करता हूँ या फिर कैरोसेल यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जब आप दो चीज़ें आती हैं, यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट या ऐड यूज़ कर सकते हो। एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब मान लो एक ऐड है जो आप पहले चला चुके हो, ठीक है, मतलब वो ऐड क्रिएटिव वो पहले चला चुके हो, आप दोबारा एक नया एडसेट बना रहे हो, उस एडसेट में भी आप इसी ऐड क्रिएटिव को यूज़ करना चाहते हो, तो आप एग्जिस्टिंग पोस्ट पे क्लिक करके उस ऐड क्रिएटिव को चूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर मेरे कुछ पुराने ऐड क्रिएटिव यहां पर शो होंगे, ठीक है। जैसे ये जो ऐड जिन पे ऐड चल चुका है, ठीक है,
देखो ये सब जो है ये मेरे कनेक्टेड है मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक से, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें दिखा रहा है जो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने पोस्ट किया हुआ है या कभी ऐड चले होंगे, तो अब मैं चाहूँगा तो मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट ऐड क्रिएटिव में, मुझे यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा ऐड इमेज में ऐड वीडियो में करके आप यहाँ पर अपलोड करोगे। उसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ जो आता है प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि प्राइमरी टेक्स्ट में आप जो एक हेडिंग जो इमेज मतलब जो शुरू में जो टेक्स्ट आते हैं जो लोगों को दिखेंगे आपके ऐड में इंस्टाग्राम में जो ऊपर दिखता है फेसबुक में भी जो ऊपर दिखता है ऐड इमेज के ऊपर ऐड वीडियो के ऊपर, उसे हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं, यानी कि जो इमेज होती है वीडियो होती है उसके ऊपर आपका प्राइमरी टेक्स्ट आता है। हेडलाइन जो फेसबुक में आपको बटन के बगल में जो हेडलाइन दिखती है उसे हम हेडलाइन कहते हैं, ठीक है। एक मैं जरा यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, एग्जिस्टिंग पोस्ट तो नहीं लेंगे हम, मैं यूज़ कर लेता हूँ, मेरी कोई इमेज होगी इसमें वैसे, चलो इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इस इमेज को यूज़ कर लिया, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इमेज को मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब जो मैं यहाँ पर जो प्राइमरी टेक्स्ट डालूंगा, ठीक है, गेट योर्स नाउ लेट सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है, गेट योर्स नाउ, मैंने ये प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया। अब ये प्राइमरी टेक्स्ट जो आएगा देखो इमेज के ऊपर आ रहा है, उसके बाद हेडलाइन में मैं डाल देता हूँ 30% ऑफ, ठीक है। तो जो हेडलाइन में डालूंगा अब यहाँ पर, एक मिनट पहले मैं ये डाल देता हूँ URL https://www.thrivelabs.in, ठीक है। तो हमने ये वेबसाइट का URL डाल दिया है। अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ये इस तरह से आ रही 30% ऑफ, ये हेडलाइन हो गई हमारी, प्लस ये जो ऊपर आ रही है प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन आपको बहुत अच्छी लिखनी होती है, यानी कि वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होनी चाहिए कि भाई लोग जब उसको पढ़ें तो वो वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ पर आए, ठीक है, मतलब कि देखें। उसके बाद ये जो लर्न मोर आ रहा है, लर्न मोर नहीं क्योंकि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो लर्न मोर कुछ नहीं, मेरे को चाहिए भाई शॉप नाउ, ठीक है, शॉप नाउ या फिर गेट ऑर्डर्स करके भी आता है, गेट ऑफर्स करके भी आता है, बट शॉप नाउ यूज़ करो आप, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया शॉप नाउ, है ना, उसका URL आपने दे दिया। फिर ये जो चीज़ है ये बेसिकली मेरी वेबसाइट कनेक्टेड है, वो ये दिखा रहा है कि भाई dropshippingfinder.com जो पिक्सल है वो ये कनेक्टेड हो रखा है, ताकि ये क्योंकि ये ग्रीन है, ठीक है, ये चीज़ आपके साथ भी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप इवेंट कॉन्फ़िगरेशन में जाकर देखो कि आपकी वेबसाइट कनेक्टेड है या नहीं, जो आपने डोमेन वेरीफाई कराया है या नहीं कराया है, ठीक है। सब पे वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाकर वो चीज़ देख सकते हो। तो ये हमारा ऐड लेवल बहुत सिंपल सा ऐड लेवल था, ठीक है। अभी कोई अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई क्या आ रहा है, तो क्या कंफ्यूजन उसका, सिंपल सा हम यहाँ पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ये जो ऐड है हमारा ये पब्लिश हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ ये ऐड हमारा हो गया पब्लिश, ठीक है, ये हो गया हमारा ऐड पब्लिश, ठीक है, ये सिंपल सा पब्लिश हो गया। मैं बाहर आया था यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बाहर आ जाऊँगा तो पहले मैं जरा इसको बंद कर दूँ तो ये पैसे उड़ा देगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बंद हो गया हमारा कैंपेन, मतलब फिलहाल ये मैंने अपने लिए बंद किया है। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड सेट में आ सकते हो। अब यहाँ पर आकर आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो, डुप्लीकेट करके आप इसमें और नए इंटर डाल सकते हो। आप चाहोगे तो आप अपने ऐड्स को भी डुप्लीकेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डुप्लीकेट करना चाहो या ना करना चाहो। वैसे करना चाहिए थोड़ा बहुत डुप्लीकेशन, क्योंकि ऐड्स ऑप्टिमाइजेशन में ईजी हो जाता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में और जानना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है, academy.thrivelabs.in का, आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर के आप और चीज़ें देख सकते हो कि आपको क्या क्या और रिसोर्सेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वो चीज़ देख सकते हो। बाकी यही था पूरा ट्यूटोरियल आपके लिए कि भाई कैसे आप अपने फेसबुक से ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एड्स रन कर सकते हो, सिंपल सा ट्यूटोरियल था ये, तो बस यही था। उसके बाद सेकेंड चीज़, कुछ और चीज़ें जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपको कि भाई ई कॉमर्स वेबसाइट पर वेबसाइट ऐड रन करने से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी वेबसाइट का जो प्रोडक्ट पेज है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो उन्हें फील ही नहीं आ रहा है कि वो एक ब्रांडेड पेज पे गए हुए हैं यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर आपकी पहली चीज़ तो इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, मल्टीपल इमेजेस होनी चाहिए। सेकंड चीज़ की बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन मेंशन होनी चाहिए। थर्ड चीज़ की जो आपका बाय नाउ और ऐड टू कार्ट बटन दोनों होना चाहिए। शिपिंग चार्जेस आप मत लो तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। पांचवी चीज़ कि लाइक जो चेकआउट प्रोसेस है वो स्मूथ होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो जो फेसबुक ऐड्स है, फेसबुक ऐड्स आपको ट्रैफिक वहाँ पर भेज सकता है, ठीक है, लेकिन उस ट्रैफिक को कन्वर्ट करने में आपका जो शॉपिफाई प्रोडक्ट पेज है या फिर वू कॉमर्स के जो प्रोडक्ट पेज है वही काम आएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट पेज है वो काफ़ी बेटर होना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो यू नो बेसिकली जो आपकी वेबसाइट है वो कन्वर्जन दे। देखो बहुत सारा अभी तक जो हम एड्स काफ़ी क्लाइंट्स के लिए अपने एड्स रन कर चुके हैं, और जो प्रॉब्लम आ रही होती है एड्स में वो यही होती है कि उनका जो प्रोडक्ट पेज होता है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट पेज को परचेज के लिए ऑप्टिमाइज नहीं किया गया है कि भाई जब लोग आए तो वो परचेज करें। क्योंकि आप अगर बहुत ख़राब से पेज पे लोगों को भेज दोगे तो परचेज तो नहीं आने वाली, हो सकता है बहुत क्वालिटी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर जा रही हो लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो सकती है, प्राइसिंग के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है आपका पेज में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन कुछ ज़्यादा दे रखी है, या फिर ये ना बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो वेबसाइट एंड पे भी दिक्कत कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पर डेटे में जो आपका फेसबुक ऐड आपको डेटा शो करेगा उस डेटा को देख करके आपको ये भी अंदाज़ा लगाने को मिल सकता है कि आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है या फिर आपके ऐड में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक वीडियो में तो मैं नहीं बता सकता, बट स्टिल आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर।
तो बस यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो एंड मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर आप चेक कर लीजिएगा।